Hello everyone, in this video we are going to study about priority sector lending. तो interview point of view से जो questions बन सकते हैं priority sector lending को लेके उनके बारे में discuss करेंगे. तो priority sector lending क्या होता है? देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो सेक्टर्स आ जाते हैं जिनको हम लोन देने में प्रायोरिटी पे सेट करेंगे. लाइक ये 8 सेक्टर्स हैं जिनको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं वाइल गिविंग लोन्स. तो ये उन सेक्टर्स में से आते हैं जिनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सेक्टर को प्रायोरिटी पे रखा और फिर कहा कि आप पहले ना इतना टारगेट पूरा करो कि इन सबको, इनके टारगेट, जैसे इनके अलग अलग टारगेट्स होते हैं तो इनके अकॉर्डिंग लोन्स दे दो. जब इनके टारगेट पूरे हो जाएं तो आप बचा हुआ जो अमाउंट है आपके पास उसमें किसी को भी इंक्लूड कर सकते हो, वो लोन किसी को भी दे सकते हो. तो ये वो सेक्टर्स हैं जिसको बैंक ईजिली लोन नहीं दिया करते थे. सो हमारे RBI ने इनको प्रायोरिटी पर सेट कर दिया. अब ये 8 सेक्टर्स क्या हैं? एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग फाइनेंस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, इसको अमी हसरो करके याद कर सकते हैं अगर याद नहीं हो रहे हैं. ये ट्रिक है इसकी. ये सारे सेक्टर्स जो हैं इनको कंसिडरेशन में लिया जाता है बाय गवर्नमेंट सो दैट बैंक्स कैन गिव लोन्स टू देम, ताकि बैंक्स इनको लोन दे सकें. बिकॉज क्या होता था, पहले बैंक्स इनको प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि बैंक्स तो उनको लोन देंगे जिनसे उनको फ़ायदा होगा, जिनसे रिटर्न की उम्मीद होती है. तो इन सेक्टर्स को काफ़ी पीछे रखा जाता था, इनको लोन नहीं दिया जाता था. इस वजह से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट आया. अब बैंक्स हमारे कितने तरीके के होते हैं? एज़ वी ऑल नो, हमें पता है कि बैंक्स हमारे होते हैं 3 तरीके के. कैसे कैसे बैंक्स होते हैं? कॉमर्शियल बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है और डेवलपमेंट बैंक होता है. डेवलपमेंट बैंक कौन से होते हैं? नाबार्ड, सिडबी, NHB और एग्जिम. ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं डेवलपमेंट बैंक के. कोऑपरेटिव बैंक तो आपको पता ही होगा, सहकारी बैंक जिसको बोलते हैं हम. कॉमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए. ठीक है, ये जो होते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए. ठीक है, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, ये सारे ही बैंक्स जो हैं कॉमर्शियल बैंक्स में आते हैं. शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स ये क्या करते हैं? सेल टारगेट के अंडर लोन देते हैं. कौन से बैंक्स? ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स PSL टारगेट के अंडर लोन देते हैं. ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक और डेवलपमेंट बैंक जो हैं वो लोन्स नहीं प्रोवाइड करते PSL टारगेट के अंडर. ANBC क्या होता है? ANBC होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट. इसका फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो अगर हम जो टोटल इनकम है किसी भी बैंक की, उसमें से उसका जो खर्चा है, उसका एक्सपेंडिचर है, उसको निकाल दिया जाए, उसको निकाल दें अगर हम, तो हमारा ANBC आ जाता है. अपना इनकम माइनस खर्चा कर देते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट है वो आता है ना, जो सेविंग है हमारी वो आ गई. अब सेविंग जो है, बैंक सेविंग करके क्या करेगा? उसका सेविंग अकाउंट में थोड़ी रखेगा. तो बैंक क्या करता है? उसको इन्वेस्ट करता है. अब इन्वेस्ट कहाँ करेगा? इन्वेस्ट कर सकता है RBI के पास रख सकता है. उसके अलावा वो लोन्स दे सकता है. उसको तो प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोन्स कैसे दे सकता है? जैसे यहाँ पे कहा गया है कि RBI ने एक गाइडलाइन जारी की कि 40% ऑफ ANBC जो है वो PSL टारगेट के अंदर जाएगा. मतलब जो भी उनका सेविंग्स आई हैं बैंक की, जो ANBC है बैंक का, उसका 40% जो है वो PSL टारगेट में दे देंगे. फॉरेन बैंक्स के लिए क्या है? ऐसा होता है जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, उनके लिए ये था कि 15-16 में 32% रखा गया था टारगेट, 16-17 में 34%, 17-18 में 36%, 18-19 में 38% और 19-20 में इतना 40%. फॉर नॉर्मल बैंक्स का अगर हम देखें तो ANBC जैसे 100 करोड़ है, तो PSL टारगेट है 40%, तो 40 करोड़ हो गया. तो पेड अमाउंट जो रहता है उनका वो 35 करोड़ रहता है.
लेफ्ट अमाउंट जो है, मतलब उन्होंने पे कर दिया है, उन्होंने लोन दे दिया है 35 crores का, बचा हुआ अमाउंट है उनके पास 5 crore रुपए। तो नाउ पेनल्टी हैज़ टू बी पेड, और पेनल्टी किसको जाएगी भाई, नाबार्ड की एक सब्सिडरी है जिसको हम कहते हैं RIDF। तो पेनल्टी जो देंगे ये लोग, 5 crore का इन्होंने कम्प्लीट नहीं किया, 5 crore उनके पास अभी भी बचे हैं, 40% कम्प्लीट नहीं हुआ, तो इसकी जो पेनल्टी है वो किसको देंगे, RIDF को देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 branches। अब मान लो हमारे पास कोई भी फॉरेन बैंक है, जैसे कि आप HSBC ले सकते हो, ABC मान लेते हैं, उसके बहुत कम ब्रांचेस है, 16 branches हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, और ABC कोई बैंक नहीं है। ANBC अगर 100 crores है हमारा, तो और हमने पे कर दिया है, मतलब हमने लोन में 35 crores दे दिया है, तो हमारा अमाउंट बचा 5 crore, तो पेनल्टी 5 crore की किसको देनी होगी, इनको भी तो पेनल्टी देनी होगी ना, तो इनको भी पेनल्टी देनी होगी, और ये पेनल्टी देंगे SIDBI को। तो जो फॉरेन बैंक्स हैं वो अपनी पेनल्टी किसको पे करेंगे, SIDBI को, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और जो हमारे नॉर्मल बैंक्स हैं, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो PSL टारगेट को पूरा ना करने की पेनल्टी किसको देंगे, नाबार्ड की सब्सिडरी को देंगे, जो कि है RIDF।